Hello everyone, welcome to our channel Maxwell Study Hub. So, आज हम हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 के साथ आगे बढ़ेंगे और हम अपने आप को एक नई चीजों के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर चैप्टर नंबर 5, ठीक है, फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जो कि है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, ये चैप्टर में हम हमारे ब्राजील के वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम हमारे ब्राजील के वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और वही वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को हम कंपेयर करेंगे हमारे इंडियन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के साथ. सो ये चैप्टर समझने से पहले और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लो अपने आप से कि वेजिटेशन क्या होता है और वाइल्ड लाइफ क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले आज ये जो फर्स्ट लेक्चर है, इस फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द वेजिटेशन एंड इंट्रोडक्शन टू द वाइल्ड लाइफ. ठीक है, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे वेजिटेशन के साथ और वाइल्ड लाइफ के साथ. ओके, सो वेजिटेशन, अगर मैं वेजिटेशन बोलता हूं सो ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी चीज है, ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे सराउंडिंग में, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे, ठीक है, तो आपको इजीली ये विजिबल होगा, ये आप देख सकते हो. ठीक है, वेजिटेशन क्या होता है वो समझो सबसे पहले कि वेजिटेशन इज नथिंग बट जितने भी प्लांट्स है, जितने भी वनस्पतियां है. ठीक है, हम हमारे मातृभूमि लैंग्वेज जो हिंदी है, अगर हम हिंदी में वेजिटेशन को बोलना चाहे तो वेजिटेशन इज नथिंग बट वनस्पतियां. ठीक है, सो ये जो वेजिटेशन है, ये वेजिटेशन हमारे सराउंडिंग में इजीली हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, आप अपने घर पे भी प्लांट्स, पौधा मम्मी लगाती है, ठीक है, तो आप वो पौधे को भी देख सकते हो. तो हमारे सराउंडिंग में वेजिटेशन फैली हुई है. ठीक है, सो हर एक कंट्री में वेजिटेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज वेजिटेशन जो है, यानी कि जितने भी प्लांट्स है, इन प्लांट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे यूजफुलनेस होते हैं. जैसे ये मेडिसिन में यूज किए जा सकते हैं. ठीक है, दे कैन बी यूज एज अ फूड. ठीक है, ये फूड के लिए भी, ये फूड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, सो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वेजिटेशन को सबसे पहले समझो कि वॉट इज वेजिटेशन. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया के अकॉर्डिंगली वेजिटेशन क्या होता है. वेजिटेशन इज अ कलेक्टिवली प्लांट. ठीक है, इट्स अ बंच ऑफ प्लांट. ठीक है, कलेक्टिवली प्लांट स्पेशली दोज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया हैबिटेट. ठीक है, यानी कि यहां पर क्या बोला है कि वेजिटेशन की अगर आप बात करते हो, सो ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर कंट्री, आप जहां पर भी जाओगे, ईच एंड एवरी जगह पर आपको प्लांट्स देखने मिलेंगे और हर पर्टिकुलर जगह का प्लांट्स अपने में ही एक अलग ही विशेषताएं होंगी, उनमें एक अलग ही अपना उनका फीचर होगा. ठीक है, जितने भी प्लांट्स होंगे वो प्लांट्स, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के जो नदन पार्ट है, वो नदन पार्ट में जो प्लांट्स पाए जाएंगे, जो वेजिटेशन पाए जाते हैं, ठीक है, वो सदर्न पार्ट से डिफरेंट होगा, कुछ अलग होगा. ठीक है, सो वो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर एरिया पे. वेजिटेशन इज ऑल्सो टर्म्ड हैज फ्लोरा. ठीक है, इन्हें फ्लोरा भी कहा जाता है. ठीक है, हर पर्टिकुलर जगह का, हर पर्टिकुलर चीज का एक साइंटिफिक नेम है. वैसे अगर हम वेजिटेशन के दूसरा नाम बोले तो हम उसे फ्लोरा भी बोलते हैं. आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड फ्लोरा एंड फाउना. ठीक है, द टर्म फ्लोरा इज यूज फॉर प्लांट्स एंड द टर्म फाउना इज यूज फॉर एनिमल्स. ठीक है, एंड क्लासिफाइड अंडर द प्लांट कम्युनिटी, एक प्लांट कम्युनिटी के अंदर आ जाता है, यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर आ जाता है वेजिटेशन. ठीक है, वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स. बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे लैंड है, सॉइल है, ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से वेजिटेशन हर जगह का अलग अलग होता है. ठीक है, सो ये था हमारा वेजिटेशन. अब देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वॉट इज वाइल्ड लाइफ. ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिशनली रिफर्स टू अनडोमेस्टिक एनिमल्स स्पीसीज दैट ग्रो और लाइव वाइल्ड इन एन एरिया. ठीक है,
वाइल्ड लाइफ यानी कि ऐसे एनिमल्स, ठीक है, एक फाउना के अंदर आ जाता है, एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम घर पे पाल नहीं सकते, वो पालतू नहीं होते, ठीक है। वो कैसे होते हैं, वो अनडोमेस्टिकेट होते हैं, अनडोमेस्टिकेटेड बहुत जगह पर, मतलब बोलते हैं ना कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में भी नहीं पाए जाएंगे, यानी कि कुछ अलग अलग जगह पर जाओगे तो अलग अलग वाइल्ड लाइफ आप लोग को देखने मिलेगा, ठीक है। सो ये स्पीसीज जो होता है, ये वाइल्ड लाइफ आप हम इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ब्राजील और इंडिया में कौन से वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम, डेजर्ट फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, प्लेन, ग्रासलैंड एंड अदर एरियाज, इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड अर्बन एरियाज, ऑल हैव डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अगेन हमारे अगर वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन की बात करते हैं, सो देर आर वेरियस वेराइटी, देर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज, देर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन वेजिटेशन एज वेल एज इन एनिमल्स, एज वेल एज इन यस वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स, ठीक है। बहुत सारे वेरिएशन है, देर आर सो मेनी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा कि आप फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, रेन फॉरेस्ट, प्लेन्स, ग्रासलैंड, ऐसे जगह पर आपको ये पाए जाएंगे और सभी अलग अलग होंगे, हर जगह पर आपको एक अलग ही वाइल्ड लाइफ देखने मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर वेरिएशन, वेराइटीज, ठीक है, वो होता है बायोडाइवर्सिटी। सो ये था हमारा अबाउट दी वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। आपको करना क्या है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है, यू मे आस्क मी, ठीक है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।